बुराजी रेखण में गया। नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रणवीर सिंह स्टारर एनिमल मूवी के कास्ट के बारे में और उनकी फीस के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी। वहीं बात करते हैं एनिमल मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार। वहीं बात करते हैं एनिमल मूवी के जो कि बजट है वो 100 करोड़ है। वहीं बात करें इस फिल्म को लैंग्वेज की, तो यह फिल्म आपको हिंदी लैंग्वेज में 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होते हुए नजर आएगी। वहीं बात करते हैं इस फिल्म के जो कि कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विपिन कड़की की। तो इस फिल्म को करने के लिए विपिन कड़की ने 50 लाख की फीस ली हुई। वहीं नेक्स्ट कास्ट की बात करें तो है राघव विनानी, जो कि इस फिल्म को करने के लिए 50 लाख की फीस ली है। वहीं बात करते हैं एनिमल के जो कि नेक्स्ट कास्ट है वो है बाबा निराला बॉबी देओल, जो कि इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने 4 करोड़ की फीस ली है। नेक्स्ट बात करें तो इस फिल्म में जो कि रणबीर कपूर के फादर का कैरेक्टर निभाने वाले हैं वो है अनिल कपूर, जो कि इस फिल्म में इनका नाम होने वाला है बलवीर सिंह। वहीं बात करते हैं इनके फीस के बारे में, तो इन्होंने इस फिल्म को करने के लिए 2 करोड़ की फीस ली हुई। वहीं बात करते हैं एनिमल मूवी के जो कि लीड एक्ट्रेस है वो है रश्मिका मंदाना, जो कि इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर के वाइफ के तौर पर आपको नजर आने वाली है। और इस फिल्म में जो कि गीतांजलि का जो कि इनका नाम होने वाला है। और वहीं बात करते हैं इस फिल्म में इनका फीस की, तो यह 4 करोड़ होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो इस फिल्म के जो कि लीड एक्टर हैं वो है रणबीर कपूर, जिसमें इनका नाम होगा अर्जुन सिंह। वहीं बात करते हैं इनके फीस की, तो वो है 70 करोड़। तो दोस्तों यह फिल्म आपको 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होते हुए नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर के एनिमल मूवी कितना करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।